हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर फेसबुक एड्स कंप्लीट कोर्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये सिखाने वाला हूं आपको कि फेसबुक एड्स में रेलेवेंस स्कोर क्या होते हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। आप फेसबुक एड्स रन करते हैं, वहां पर आपको आइडिया नहीं होता कि आपका एड क्रिएटिव कितना रेलेवेंट है आपके ऑडियंस से रिलेटेड। आपने जो हेडलाइंस लिखे हैं, आपने जो कॉल टू एक्शन इस्तेमाल करा है, जो आपने ऑडियंस की टारगेटिंग करी है, वो कितना रेलेवेंट है आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड। इसलिए फेसबुक एड्स के अंदर आपको एक मैट्रिक्स देखने को मिलता है जिसे हम एड रेलेवेंसी स्कोर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आपको इसे जरूर जानना चाहिए। अगर आप अपने कैंपेन को स्केल करना चाहते हैं, आप ज्यादा कन्वर्जन लाना चाहते हैं और कम कॉस्ट में लाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये सारे मैट्रिक्स पे नजर रखना होगा। ये मैट्रिक्स आपके कैंपेन के ऑप्टिमाइजेशन से भी रिलेटेड है, इसलिए आपको ये जरूर सीखना चाहिए कि कैसे हम क्वालिटी स्कोर या फिर रेलेवेंसी स्कोर को देख सकते हैं, कहां पर ये ऑप्शंस मिलता है। ये सब चीज हम यहां पे देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बहुत इसे पता होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्यों इतना मैटर करता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो सारी चीज हम यहां देखने वाले। तो यहां पे हम कुछ अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और इसके बाद प्रैक्टिकल करके हम अपने एड अकाउंट पे देखेंगे कि हमारा जो एक रनिंग एड है उसका क्या क्वालिटी स्कोर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पे डेफिनेशन देख लेते हैं। यहां मैंने लिखा है एड रेलेवेंस इन फेसबुक रेफर टू ए मैट्रिक्स दैट डिटरमाइन हाउ रेलेवेंट योर एड इज टू द ऑडियंस यू आर टारगेटिंग। आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस को आप सेल करना चाहते हैं, आप किसी ऑडियंस को अपना एड दिखाना चाहते हैं, तो आप जाते हैं एडसेट लेवल पर, वहां पर आप अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं। और फेसबुक एड्स में आपको ऑडियंस टारगेटिंग करने के ऑप्शंस मिलते हैं इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक के बेस पे। तो ये मैट्रिक्स ये चेक करता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट है और जो आपने ऑडियंस की टारगेटिंग करी है, क्या उन दोनों में रेलेवेंसी है या नहीं। क्योंकि अगर आप राइट ऑडियंस को अपना एड नहीं दिखाएंगे तो वो आपके एड पे क्लिक ही नहीं करेंगे, आपका एड इंप्रेशंस आएंगे, इससे आपका सीटीआर डाउन होगा और कहीं ना कहीं आपका ऐड अच्छा से परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए ये चीज आपको यहां पे बताया जाता है। फेसबुक कैलकुलेट दिस स्कोर बेस्ड ऑन हाउ वेल द ऐड रिजोनेट विद द ऑडियंस। मतलब आपका ऑडियंस को आपका जो ऐड दिख रहा है, क्या वो वहां कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्शंस कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपके ऐड को, किसी न किसी तरह उनका इंटरेक्शंस होना चाहिए आपके ऐड के साथ, क्या वो क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं या नहीं रहे। और ये सब डिपेंड करता है कि आपने ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करी है। इसके अलावा और भी अदर मैट्रिक्स है, जैसे आपने कॉल टू एक्शन कैसा इस्तेमाल करा है, आपने कुछ ऑफर वगैरह हेडलाइंस में दिया है या नहीं दिया, और उसके बाद आपका एड कॉपी कैसा है, कितना इंगेजिंग है आपका एड कॉपी, ये सारे चीज मिलाकर आपको एक स्कोर दिया जाता है जिसे हम रेलेवेंस स्कोर कहते हैं। ठीक है, आगे यहां पे है टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर लाइक एंगेजमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया क्लिक्स, लाइक, शेयर, कमेंट, कन्वर्जन रेट एंड द एड्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी आपका ओवरऑल एड है उसका क्या परफॉर्मेंस है, इस बेस पर आपको एक रेलेवेंसी स्कोर मिलता है फेसबुक एड्स की तरफ से। अब यहां पे देखेंगे, यहां पे 1 to 10 आपको एक दिया जाता है और जब आप कैंपेन में अभी देखेंगे हम, तो वहां पर आपको एवरेज, एवरेज, गुड, इस तरीके से लिखा होता है आपके कैंपेन के सामने, जिससे आप आइडिया लगाते हैं कि हमारा कैंपेन सही है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बिलो एवरेज है तो फिर आपको वर्क करने की जरूरत है, आपको हेडलाइन, कॉल टू एक्शन, क्रिएटिव्स वगैरह वहां पर चेंज करने की जरूरत है। आई होप कि आपको इस डेफिनेशन से समझ में आ चुका होगा कि रेलेवेंसी स्कोर क्या होते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। अब चलिए हम इसके देखते हैं इसके जो इतना मैटर क्यों करता है रेलेवेंसी स्कोर। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है, सबसे पहले आपको इसे देखना है। इट कैन लोअर द कॉस्ट ऑफ रीचिंग पीपल। अगर आपका क्वालिटी स्कोर, आपका रैंकिंग स्कोर ज्यादा है, गुड है या फिर एवर एवरेज है, तो यहां पर आप कम खर्च करके भी आप राइट ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं और आपका कॉस्ट पर रिजल्ट भी बहुत कम आएगा। इसलिए अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो आपको इस मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से अपने एड को डिजाइन कीजिए, एक एक चीज को फोकस करना है और राइट ऑडियंस को टारगेट करना है, ताकि आपकी क्वालिटी स्कोर अच्छी हो, और क्वालिटी स्कोर जब अच्छी होगी तो आपको यहां पर कॉस्ट पर रिजल्ट भी कम आएगा। इसके अलावा यहां पर है इट कैन हेल्प एडवर्टाइजर टेस्ट एड क्रिएटिव ऑप्शन बिफोर रनिंग ए कैंपेन। अब यहां पर आप टेस्ट अगर करना चाहते हैं कि आपको कैसा यहां पर रिस्पॉन्स मिलता है, तो अगर मान लेता हूं आप इमेज के फॉर्मेट में भी आपकी एड क्रिएटिव है, वीडियो के फॉर्मेट में भी है और क्राउजल के फॉर्मेट में भी है, तो आप यहां पर एक टेस्ट कर सकते हैं। कुछ आप पैसे खर्च करते हैं, यहां पर एक कैंपेन डमी बनाते हैं और वहां से आप फायर करते हैं अपने एड को, यहां से पता चल जाता है कि आपका जो एड रेलेवेंसी स्कोर कितना है। अगर आपका वीडियो कैंपेन है, वीडियो आपने इस्तेमाल करा, इस पर अगर रेलेवेंसी स्कोर ज्यादा आ रहा है तो इसी के साथ आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके।
आगे यहां पर है, इट कैन हेल्प ऑप्टिमाइज कैंपेन ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। अगर आपका कोई कैंपेन चल रहा है, वहां से आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे, राइट क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, आपको इंक्वायरीज वगैरह नहीं आ रही है, तो फिर आप वहां पे ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको चेंज करना है कुछ एलिमेंट अपने ऐड से, जिससे कि आपकी स्कोर इंप्रूव होगी और फिर आप देखेंगे कि आपका ऐड वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपको वहां से लीड्स वगैरह भी आने लगेंगी। तो ये रहा आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो कि समझाना जरूरी था। अगर आप फेसबुक एड्स के फील्ड में हैं तो ये सारी चीज आपको जरूर समझना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर हमें एक चीज और देखते हैं, की एस्पेक्ट ऑफ एड रेलेवेंस। पहले इसे हम एड रेलेवेंसी के नाम से जानते थे, लेकिन अब इस एड रेलेवेंसी में आपको तीन मैट्रिक्स देखने को मिलते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, जैसे क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग। हालांकि ये रेलेवेंसी स्कोर का ही पार्ट है, लेकिन फेसबुक ने इसे और फर्दर इसे डिवाइड कर दिया है ताकि आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ और अच्छे से आपको डाटा प्रोवाइड किया जा सके ताकि आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर सको, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर एक एक देखते हैं। ये तीनों ही मैट्रिक्स मिलेंगे अभी हमें एड मैनेजर में, हम तीनों को ऐड करके देखेंगे कि मेरा एक जो कैंपेन है उसका क्वालिटी रैंकिंग क्या है, उसका एंगेजमेंट रैंकिंग क्या है, उसका कन्वर्जन रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो क्वालिटी रैंकिंग का मतलब है कि मेजर द परसीव क्वालिटी ऑफ योर एड कंपेयर टू कॉम्पिटिंग एड्स टारगेटिंग द सेम ऑडियंस। एड्स विद हायर क्वालिटी आर शोन मोर फ्रीक्वेंटली एंड एट ए लोअर कॉस्ट। अगर आपकी यहां पे क्वालिटी रैंकिंग दी जाता है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है उसका एड है और आपका कोई एड है, अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका एड बढ़िया काम कर रहा है, उस पर इंगेजमेंट वगैरह अच्छे से आ रही है, तो फिर उसके एड को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा और उसका कॉस्ट भी कम लगेगा एज कंपेयर टू आपके। आपके कॉस्ट भी ज्यादा लगी है और वहां पर आपको ज्यादा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्वालिटी रैंकिंग भी एक मैट्रिक्स है रिलेवेंसी स्कोर का। नेक्स्ट है इंगेजमेंट रैंकिंग, रिफ्लेक्ट हाउ वेल योर एड्स इज एक्सपेक्टेड टू इंगेज द टारगेट ऑडियंस। अगर आपके एड्स यूजर को दिखता है तो यूजर क्या वो इंटरेक्शन करते हैं, कोई लाइक करता है, शेयर करता है, वहां से वो आपको कमेंट करते हैं, आपको इंक्वायरी करते हैं, तो ये इंगेजमेंट रैंकिंग भी डिपेंड करता है आपका। ये भी रिलेवेंसी स्कोर का ही एक पार्ट है। यहाँ पे हायर इंगेजमेंट लीड टू बेटर एड परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा इंगेजमेंट आपके एड्स में आएगी उतने अच्छा एड आपका परफॉर्म करेगा। तो इसका भी आपको एक वहां पे मैट्रिक्स मिल जाता है फेसबुक की तरफ से कि आपका इंगेजमेंट रैंकिंग कैसा है, एवरेज है, एवव एवरेज है, बिलो एवरेज है, गुड है, ये सब आपको वहां पे देखने को मिलता है। इंगेजमेंट कमाने का मतलब एक ही चीज है कि आपका एड क्रिएटिव में दम नहीं है, आपको अपना एड क्रिएटिव और ज्यादा इंगेजिंग बनाना होगा। अगर यहां पे कन्वर्जन रैंकिंग, यानी आपका एड देखकर यूजर कन्वर्जन करता है नहीं करता, आपका कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, चाहे आप सेल जनरेट करना चाह रहे हो, आप लीड जनरेट करना चाहते हो, आप इंक्वायरी चाहते हो, वेबसाइट विजिट कराना चाहते हो, तो यही कहने का मतलब है कि आपका एड जब शो होता है यूजर को तो क्या वो कन्वर्जन करने के एबल है या नहीं है, ठीक है। Assess how likely people are to take action after viewing your ads. आपका ad जब दिखता है तो वो action लेता है या नहीं, ये depend करता है। Ads that drive conversion effectively will have a higher ranking. यानी आपका ad smoothly दिखाए, आपका ad smoothly दिखाया जाएगा अगर conversion ranking बढ़िया है तो। तो यहाँ पर आपको quality ranking, engagement ranking and conversion ranking का मतलब पता चल गया होगा। ये तीनों ही पहले एक ही में होते थे, ये relevancy score में होता था, लेकिन अब Facebook ने इन सबको divide करके अलग अलग matrix बना दिया गया है, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा आई होप कि। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं चीज़ों को। आपको आ जाना है इस तरीके से अपने एड मैनेजर में। मैंने कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट करा है फेसबुक एड्स के ऊपर। आप जाएंगे मेरे चैनल में, वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको डिटेल एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी और उसमें मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल पर आपको फेसबुक एड्स सिखाया। उसमें मैंने हज़ारों बार आपको सिखाया कैसे आप यहाँ पे एक्सेस करेंगे, कैसे एड मैनेजर आप नेविगेट करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस कोर्स में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे देख सकूँ। यहाँ मैं जुलाई से ले लेता हूँ और आज सितंबर तक की मैं यहाँ पे पहले टाइम स्टैम्प सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ। यहाँ कोई भी कैंपेन है, आपका कोई भी कैंपेन है, चाहे वो अभी चल रहा हो या फिर आपने उसे क्लोज कर दिया हो, बंद कर दिया हो, आप उसका भी देख सकते हैं कि क्वालिटी स्कोर या रैंकिंग स्कोर उसका क्या है। तो यहाँ पे एक इंगेजमेंट है, मैंने इंगेजमेंट ऐड रन करा था अपने कोर्सेज के लिए, अपने सर्विसेज के लिए। तो हम इसका देखते हैं कि क्या है रैंकिंग स्कोर। तो सबसे पहले आपको कैंपेन लेवल पर ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी एड लेवल पर। इसलिए सबसे पहले आपको जाना है अपने कैंपेन के एड्स लेवल पर। सबसे ये मेरा एडसेट लेवल है, अब मैं आ जाऊँगा अपने एड्स लेवल पर। ये देख सकते हैं ये मेरा एड्स है, कैंपेन अभी मैंने ऑफ कर रखा है, मैंने यहाँ पर 1000 के करीब अमाउंट स्पेंड करा है, मुझे ये इंप्रेशंस रिच वगैरह मिली है। तो ये आपके कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर आपको अपने कैंपेन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जिस टाइप का आपका कैंपेन है उसी टाइप का आपको यहाँ पे मैट्रिक्स देखने को मिलती है। उसके बाद मैं इसे जरा स्क्रॉल करूंगा इधर की तरफ,
ठीक है, राइट साइड की तरफ। तो आप यहां पे देखेंगे, ये देख सकते हैं मुझे यहां पे 42 रिजल्ट आए हैं, यानी मुझे इंक्वायरीज वगैरह आई थी मेरे कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, और कॉस्ट पर रिजल्ट मुझे 20 रुपीज की पड़ी थी। तो यहां पर आप देखेंगे कि कोई यहां पे मैट्रिक्स नहीं है जिससे मैं चेक कर सकूं यहां पे कि मेरा इस कैंपेन का रैंकिंग स्कोर क्या रहा, उसका जो है रिलेवेंसी स्कोर क्या रहा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना, ये देखिए आप यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा होगा, यहाँ जितने भी कॉलम हैं आप अपने रैंक आप अपने कैंपेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉलम सेक्शन में जाऊँगा, कस्टमाइज कॉलम में जाऊँगा, तो यहाँ आप आपके सामने ये दिख जाएंगे। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जितने भी चेक हैं यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स जो दिख रहे होंगे ये सब मुझे कॉलम में दिख रहे थे, ठीक है। तो मैं इसे ऐड नहीं करूँगा, यहाँ पर मुझे ऐड करना है अपना रिलेवेंसी स्कोर वाला मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पे ऐड रिलेवेंस डायग्नोस्टिक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले इसका नाम ऐड रिलेवेंस होता था 2015-16 के करीब, 2019 में इसका नाम चेंज करके इसमें तीन और यहाँ पे मैट्रिक्स को ऐड कर दिया गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे परफॉर्मेंस वाले में आएंगे, ऐड रिलेवेंस डायग्नोसिस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इन तीनों को ही सेलेक्ट कर लूँगा और मैं ऐड करूंगा अपने ऐड सेट लेवल पर, यहां पे आ जाएंगे, इसे ऐड कर दिया मैंने। अब यहां से आपको अप्लाई करना है। अब यहां देखिए योर चेंज वर अप्लाइड, यानी आपका जो चेंज है वो अप्लाई हो चुका है। अब यहां पर आपको मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करके दिखाता हूं, यहां देखिए आप ये देखिए, ये जो मेरा क्वालिटी रैंकिंग है वो क्या है, एवरेज है, मेरा एंगेजमेंट रैंकिंग एवरेज है, और मेरा कन्वर्जन रैंकिंग क्या है, एवव एवरेज है। अब इससे क्या मतलब समझ में आया, क्वालिटी रैंकिंग कि मेरा जब ऐड किसी को देखता है तो वहां पर वो इंगेजमेंट वगैरह करते हैं, वो लाइक करते हैं, वो शेयर करते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ही मुझसे प्राइस वगैरह पूछते हैं, तो ये तो हो गया इंगेजमेंट रैंकिंग। क्वालिटी रैंकिंग का मतलब मेरे जो ऐड क्रिएटिव है, जो मेरा वीडियो है, क्योंकि मैंने वीडियो इस्तेमाल करा था तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मेरे कॉम्पिटिटर से बढ़िया यहाँ पे चल रहा था, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरेज है। और यहाँ पर कन्वर्जन जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जब भी मेरा ऐड किसी यूज़र को दिखे तो वो मुझे मैसेज करे, वो मुझे अपना लीड वगैरह दे, तो यहाँ ये चीज़ आपको एवव एवरेज देखने को मिल रही है, यानी कि मेरा ऐड अच्छा परफॉर्म करा। और यहाँ पे इसलिए आप देख रहे होंगे कि 20 रुपये की मुझे यहाँ पर एक रिजल्ट देखने को मिल रही, यानी मुझे लीड्स मिल रही थी 20 रुपए की एक। तो यहां पे एवर एवरेज आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा ऐड यूजर को दिखा वो तुरंत मुझे कांटेक्ट करते थे, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते थे, तो इसीलिए यहां पे कन्वर्जन जो रैंकिंग है यहां पे देखेंगे कि वो एवर एवरेज है। तो मैं अपने एंड से कह सकता हूं कि ये मेरा कैंपेन सही वर्क कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा जो मैट्रिक्स है वो बिलो एवरेज नहीं है, एवरेज है। यहां पे आपको भी अगर इस तरीके से अपने कैंपेन में ये मैट्रिक्स वगैरह इस तरीके से दिख जाते हैं तो ठीक है, आप इसे चलने दीजिए, और थोड़ा बहुत अगर आपको टेस्ट करना है तो हेडलाइंस एड क्रिएटिव वगैरह टेस्ट करके देख सकते हैं। आई होप कि रेलेवेंसी स्कोर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपको भी इसी तरह अपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट में, आप अपने प्रोजेक्ट में इसे ऐड कीजिए और इसे मॉनिटर कीजिए। आप अपने कैंपेन को तभी आप स्केल कर पाएंगे जब आप इस लेवल पर आप नजर रखते हैं अपने कैंपेन पे, अपने कैंपेन को मॉनिटर करते रहना है। ये वाली मैट्रिक्स आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको देखते रहना है, कभी हो सकता है रनिंग कैंपेन का कभी एवरेज होगा, कभी बिलो एवरेज होगा, तो ये डायनेमिक चीज़ है, ये चेंज होती रहती है, तो आपको इस पर बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है। इसे अगर नहीं आपने इस्तेमाल करा है तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अच्छा आपको वहाँ पे परफॉर्म कर सके आपका ऐड। अगर यही सारी चीज़ें आप लाइव क्लास में सीखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक लाइव फेसबुक एड्स मास्टरी कोर्स लॉन्च करा है। मैंने अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेन करा है, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं जिनका ऐड परफॉर्म नहीं करता था, जो स्किल नहीं कर पाते थे अपने ऐड को, वो वर्क तो कर रहे थे इस फील्ड में लेकिन उनके क्लाइंट रिटेन नहीं हो पा रहे थे, तो उन्हें भी मैंने ट्रेन करा है। अगर डेमो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह अपलोड करे हैं, जिसे मैं बच्चे को लाइव 1-to-1 सिखाता हूं, तो मैं वहां पर कुछ क्लिप्स वगैरह अपलोड कर देता हूं, आप वहां से देख सकते हैं और फैमिलियर हो सकते हैं। इस कोर्स की जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो यह है कि यह कंप्लीट लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं 1-to-1 यहां पर सिखाता हूं, आपको कस्टमाइज तरीके से सिखाता हूं, ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, क्योंकि फेसबुक एड्स एक डायनेमिक फील्ड है, यहां पर आपको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, प्रॉपर हैंड होल्डिंग की सपोर्ट है। आपको कुछ किसी एक इंडस्ट्री में वर्क करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वही सिखाया जाएगा और यहां पर आपको 1-to-1 लाइव क्लासेस में सिखाए जाते हैं। इस तरीके से ये कोर्स के मॉड्यूल्स हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आपको ये मॉड्यूल्स फ्री में चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये मॉड्यूल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप यहां पे देख सकते हैं कि क्या सब आपको लाइव क्लासेस में सिखाया जाएगा। एक्चुअली मैंने इस कोर्स को बेसिक टू एडवांस लेवल पर बनाया है, आप अगर बिगिनर हैं तब भी आपके लिए ये कोर्स परफेक्ट है, और अगर आप एग्जिस्टिंग आप वर्क कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तब भी आप यहां से सीखकर अपने स्केल कर सकते हैं कैंपेन को, ताकि आपका क्लाइंट रिटेन रहे।
इसलिए अगर आप कोर्स सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको कोर्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। और आप चाहे तो डेमो क्लास के लिए भी आप आ सकते हैं, फ्री है डेमो क्लास। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।